बाबा देखिए ना, कल से कृपा कितना मिस कर रही है आपको। कह रही है कि नानू ने मेरे गाले नहीं खींचे। एक बार कृपा के सर पर हाथ रखिए ना, कृपा को आशीर्वाद दे दीजिए, नहीं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। प्लीज कोशिश कीजिए ना बाबा। बाबा प्लीज फिर से कोशिश कीजिए ना। व्यास अंकल को इमोशनल थेरेपी की नहीं बल्कि फिजिकल थेरेपी की जरूरत है चाहत। नेल्सन, मैंने एक डॉक्टर को अपॉइंट किया है, वो आज से रोज अंकल की फिजियोथेरेपी करेगा। वैसे ये तुम्हारे पास तुम्हारा वॉलेट है क्या? वो मैंने खाना ऑर्डर किया था तो उसका ये बिल, वो डिलीवरी बॉय नीचे आ गया, मैं लेके आती हूँ। चिकन बिरयानी, ये कैसे हो सकता है? कश्मीरा, ये कश्मीरा ने चिकन बिरयानी कैसे ऑर्डर कर ली? क्या उसे इतना भी नहीं पता अगर इस घर में नॉनवेज आ गया तो कयामत आ जाएगी। ये मुझे दीजिए। नेल्सन, एक नंबर ब्रो। क्या हुआ? तुम सुधरोगे नहीं ना कि मैंने घर वालों के लिए खाना ऑर्डर किया है और तुमने घर में पार्सल पहुंचने से पहले फेंक दिया। How dare you? नेल्सन को मुझसे दूर करने के लिए तुम हर हद तक जा सकती हो कि घर वाले खाने का वेट कर रहे हैं, उन्हें भूख लग रही है, अगर टाइम पे खाना नहीं मिलेगा तो मैं एम्बैरस हो जाऊंगी। चाहती क्या हो तुम? यही तुम्हारे दिमाग में प्लान चल रहा है ना? मैंने वो पार्सल घर के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उसमें चिकन था। बाबा ने तो कभी लहसुन प्याज को छुआ तक नहीं, इस घर में कभी अंडा तक नहीं आया, तो चिकन लाना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है अगर वो पार्सल घर के अंदर जाता तो बाबा कितने नाराज हो जाते। हाँ, तो लेक्चर क्यों दे रही हो? भूल गई थी मैं। ओ गॉड कश्मीरा, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि तुम इस बात को इतना कैजुअली कैसे ले सकती हो। चाहत चाहत, रिलैक्स रिलैक्स, तुम प्लीज मीरा से ऊंची आवाज में बात नहीं करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ठीक है, मतलब कर दिया उसने गलती से ऑर्डर, हो गई गलती उससे, इट्स डन नाउ, खत्म करो इस चीज को भी। नील, मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। आप चाहते हैं मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे इस बात का भरोसा हो जाए कि मेरे जाने के बाद बाबा का ख्याल रखा जाएगा। जो मुझे इसके बहू होते हुए तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। लीव इट। थैंक यू नेल्सन, ये चाहत ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। गुड यू गिव इट बैक टू हर। मीरा, तुम फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस घर में नॉनवेज ला सकती हो? तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कैसे?
तो चाहत का एहसान मानो कि इतना बड़ा तमाशा होने से बचा लिया उसने। सी मीरा, तुम इतनी ज्यादा इंसेंसिटिव नहीं हो सकती हो यहाँ पर। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है तो तुम्हें अपने अंदर कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। एक नॉनवेज खाने वाली लड़की ध्यानी परिवार की बहू नहीं बन सकती है। Are you for real? तो सारी एडजस्टमेंट एक लड़की ही करेगी। अरे जिस फैमिली में मैं जा रही हूँ वो भी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करनी चाहिए ना। और तुम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हो? अरे आजकल तो एवरी सेकंड पर्सन इज अ नॉन वेजिटेरियन। नेल्सन, तुम देखना, तुम्हारे घर वालों की ये लास्ट सेंचुरी वाली आदतें है ना, वो तो मैं बदल के रहूंगी। तुम्हारी नाराजगी जायज है मीरा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल में चाहत घर कर गई है। मुझे माफ करना मीरा, मैं अब भी चाहत के सामने तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ इसीलिए जाहिर कर रहा हूं ताकि वो यहां से चली जाए। अब चाहत के सिवा किसी और से प्यार नहीं हो पाएगा मुझे। बाबा ये देखिए इस बार कितने अच्छे एप्पल्स आए हैं, और मैं जानती हूँ कि आपको सेब कितने पसंद है, तो ये लीजिए छुरी और एप्पल अपने हाथ से खुद काट कर खाइए। बाबा कोशिश कीजिए ना, जीने की चाह से बड़ी और कोई दवाई नहीं होती है। मैं जानती हूँ बाबा आप कर सकते हैं। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। चलिए बाबा आप सेब उठाइए, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना व्यास अंकल इज वेरी वीक, उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। कश्मीरा, प्रैक्टिकली तो बात कर रही हूँ, ये अननेसेसरी इमोशनल होने से कुछ होगा नहीं, सो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैंने कहा ना, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तुम्हें महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा आई नो आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आइए ना हम फिर से कोशिश करते हैं। ओके? तुम नहीं मानोगी ना, फाइन। जूनियर महान, नवेली आंटी, जल्दी आइए, नेल्सन। ये देखिए चाहत क्या कर रही है, व्यास अंकल से काम करा रही है। वीलकर की बोरी, ये क्या कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये बेचारे व्यास जी से उंगलियां तो हिलाई नहीं जा रही हैं, सेब कटवा रही है उनसे। ऐजा उनके लिए सेब का जूस बना के लेके आ। बाबा आपको खुद अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे हाथ से एप्पल लेना होगा। अरे नीलकंठ की बुआरी, कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम, शरीर में शक्ति ही नहीं बची, कहां से हाथ आगे बढ़ाएंगे वो? बाबा प्लीज आप इन सब की बातें मत सुनिए। बाबा अगर आप चाहेंगे तो आपके शरीर में शक्ति आ जाएगी। बाबा बाबा आप अपने मन में भोलेनाथ का नाम लीजिए और कोशिश कीजिए, बाबा आप कर पाएंगे। इना ये क्या कर रही हो तुम? दो मुझे नाइफ। कश्मीरा, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, तुम खामखा बीच में मत बोलो। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो चाहत, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। कश्मीरा प्लीज आप कोशिश कीजिए। अच्छा तुम आ गए, ये देखो कि चाहत कितने ड्रामे कर रही है। लिसन, नेल्सन इज हियर, स्टॉप दिस ड्रामा। दो मुझे नाइफ, दे दो मुझे। तुम्हें नाइफ चाहिए ना? चाहत, चाहत, चप। ये धारी देवी देखनी चाहिए, ये पागल हो गई है क्या तू? ओ भयंकर, अरे क्या किया तुमने, ये कितना खून बह रहा है। डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ, प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए ना। कोई मेरे पास नहीं आएगा, सब दूर रहिए। बाबा बाबा ये देखिए ना कितना खून बह रहा है। क्या कर रही है लड़की? बाबा कहीं ऐसा ना हो अपनी दूसरी बेटी को भी खो दे। बाबा कहीं ऐसा ना हो मैं आपके सामने अपना दम तोड़ दूं। चाहत ये पागलपन है, चाहत चाहत बहुत खून बह गया, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। अगर अपने बाबा के अंदर जीने की आस पैदा करने के लिए मुझे मरना भी पड़े ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। बाबा बाबा वो रुमाल उठाइए ना बाबा, आप मेरे हाथ पे रखिए। चाहत बस स्टॉप है, बाबा कर सकते हैं, बाबा कर सकते हैं। ये मेरी वाइफ है, इनका इनका खून रोकिए प्लीज। नहीं प्लीज, आप दूर दूर रहिए, आपको मेरी कसम। ए जवारी, आज जान देने का फैसला कर लिया है क्या तूने? बाबा अपनी बेटी को बचा लीजिए, बाबा देखिए कितना खून बह रहा है बाबा। ओ
बाबा अपनी बेटी को बचा लीजिए आज। बाबा देखिए कितना खून बह रहा है बाबा। बाबा कर सकते हैं। कीजिए बाबा आपको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन बाबा मेरा इरादा बस आपको ठीक करना था। शायद बच्चे जीजा जी की जान बचाने के लिए तूने तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर साहब जल्दी पट्टी बांधिए इसे। जी जी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, छोटा सा कट है, डर्मल कट है, नर्व या वेसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब तुमने पेशेंट को शॉक करने के लिए कैलकुलेटिव इंसिशन लिया है। ये टेक्निक तो एक दिल्ली के साइकियाट्रिस्ट, क्या नाम है उनका, डॉक्टर बहनत, ये टेक्निक मैंने मेडिकल कॉलेज में ही सीखी थी। मेडिकल कॉलेज? व्हाट डू यू मीन? तुम डॉक्टर हो? ऑफ कोर्स, ऐसा साइंटिफिक नॉलेज एक सर्टिफाइड डॉक्टर को ही हो सकता है। नील की बुआरी, तू डॉक्टर है? डॉक्टर पर तूने तो कहा था कि तू नीलकंठ के कॉलेज में पढ़ती है। बाबा ये सच है कि मैं एक डॉक्टर हूं। फिर इतने दिनों से ये क्यों बोलती आई है कि तू बावर्चन है? इसका मतलब तूने हम सबको, व्यास जी को धोखा दिया है। देखा व्यास जी, आपने इसे सरस्वती का दर्जा दिया था ना? व्यास जी अब आप ही बताइए कि हमारी सरस्वती अपनी पूज्य बाबा जी से इतना बड़ा धोखा करती है? झूठ। झूठ क्यों बोला मुझसे? और क्या क्या झूठ बोला है तूने मुझसे? आज ही बता दे बुआरी, हो सकता है इसके बाद मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। बाबा कई दिनों से मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। व्यास जी, चाहत को झूठ बोलने के लिए मैंने मजबूर किया था। हाँ वो याद है व्यास जी, डॉक्टर बेग के कोर्ट पर कैसे पत्थर मारा करते थे हम, और भग्स की मौत भी तो एक डॉक्टर की वजह से हुई थी ना। तो ऐसे में अगर मैं बता देता कि चाहत भी एक डॉक्टर है तो प्रॉब्लम हो जाती। तूने कह दिया और इसने मान लिया। अगर ये अच्छी बहू होती ना लाटे, तो अपने पति के कहने पर भी घर वालों से इतना बड़ा सच ना छुपाती। ये लड़की अच्छी बहू कैसे हो सकती है? बहू नहीं है ये, बेटी है मेरी। इसका दिल इतना निष्पाप है, इसका वर्णन करने के लिए अच्छा शब्द भी छोटा पड़ जाता है। नीलकंठ से तो मैंने आशा ही रखनी बंद कर दी। इसने वारी को झूठ बोलने पर विवश किया, पर ना मेरी बुआरी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती।
भाई जी आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज। आज आपने बीपी की दवाई भी नहीं ली है ना, ये लीजिए। अब रुकिए डॉक्टर, इन्हें प्लीज वो मेडिसिन मत दीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन का डायुरेटिक एक्शन सोडियम लेवल और कम कर देगा। इसकी जगह मैंने दूसरी मेडिसिन दे दी है। ओ यस सर, इस गोली से सोडियम और कम हो जाता है। देखा डॉक्टर, मेरी बहू इतनी समर्थ चिकित्सक है तो शायद आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आलेख जी, डॉक्टर साहब को छोड़ के। हाँ जी सूरज जी। व्यास जी, मैं आपके लिए दाल का पानी बना के लाती हूँ। प्रीति रबौरी, अच्छा हुआ मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तेरे जैसी समझदार बहू लाता कहां से। जी धीरे, एक बात समझ में नहीं आई, ऐसी फूल सी बच्ची के माता पिता ऐसी बच्ची से इतने दिन दूर कैसे रह सकते हैं। मैं इसके माता पिता से मिलना चाहता हूँ। जब हम मिलेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी बच्ची को बहू के रूप में पाकर हमारा परिवार धन्य हो गया। मिलवाएगी ना अपने माँ बाप से। जी बाबा। वे डॉक्टर, क्या जरूरत थी तुम्हें चाहत की हाँ में आ मिलाने की? उसने आपको दवाई बदलने को कहा और आपने मान लिया? नहीं, क्या बात हुई थी हमारी कि उस बुड्ढे को तब तक दवाई देंगे जब तक वो पूरी तरह से पागल नहीं हो जाता, तो फिर ये सब क्यों किया? आप तो वही थे प्रमुख जी, जब घर की बहू कुछ डॉक्टर है तो क्या बहाना बनाता मैं? वो दवाखाना बंद करा देती मेरा। जाओ यहाँ से। प्रमुख जी, फूफा जी तो फाइनली ठीक हो गए। आई थिंक यही सबसे सही टाइम है कि आप उनसे हमारी शादी की बात करें। जल्दी बात करिए ना प्रमुख जी, मैंने एक बहुत ही अच्छा लहंगा सेल में देखा है, मैं सोच रही हूँ कि शादी में वही लहंगा पहनूं मैं। अरे आते दिमाग वाली, बुड्ढा ठीक हो गया उसका मतलब जानती हो? वो महंत फिर से इस पूरी राजगद्दी पर राज करेगा, पर मेरा महंत बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। एक तो वो चाहत ने वो दवाई अदला बदली करके पूरा खेल खराब कर दिया, और एक तू है, तुझे शादी की पड़ी है। तेरी जगह कोई और होती तो पता है क्या करती? मेरी मदद करती, उस बुड्ढे के खिलाफ षड्यंत्र रचती। लेकिन ये तो तू है, और तेरे में इतनी बुद्धि कहाँ? नहीं प्रमुख जी, आपको गलत लगता है, षड्यंत्र तो मैं भी रच सकती हूँ। हे भोलेनाथ, व्यास जी की सेहत जल्दी से ठीक कर देना। I don't get it, Nelson. जब चाहत के डॉक्टर होने का सच बाहर आ ही गया था, उसके मुस्लिम होने का सच तुमने घर वालों के सामने क्यों नहीं आने दिया? वो भी वो डॉक्टर बेग की डॉटर है, तुम चाहते ही नहीं ना कि वो उस घर से जाए। चाहत की सच्चाई सबके सामने लाकर इस घर से कैसे उसको अपमानित होकर जाने दे सकता हूं मैं? मीरा, तुमने देखा नहीं चाहत इस घर के लिए क्या क्या करती है? उस लड़की ने व्यास जी को ठीक करने के लिए अपना हाथ तक काट लिया। जो लड़की इस परिवार के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रही है, तुम चाहती हो कि मैं उसको बेइज्जत होकर इस घर से बाहर जाने दूं? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारा ड्रामा नहीं कर सकती? थोड़ा दर्द क्या बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारा तो दिल ही पिघल गया। दर्द बर्दाश्त कर सकती हो तुम? यस।